पंजाबी शादियों में अगर ड्रामा ना हो तो शादी कैसे सफल हो सकती है? सो शान और रजनी ना चाहते हुए भी किसी तरीके से कुछ ना कुछ ड्रामा तो क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि एक मरे हुए पंडित से वो पूरी शादी करवा रहे हैं, आहुति डलवा रहे हैं, पूरी बॉडी जो है मूवमेंट्स सिंक्ड है रजनी की बॉडी के साथ। कुछ अलग अलग आवाज़ें। हाँ, वो हुआ ये है कि अमरीश की एक आदत है, जब भी वो थोड़े से कुछ डर जाते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं। तो आज पहली बार सुरीली भी इसी तरीके से बात करने लगी, और रीज़न ये है कि दोनों चाहते हैं कि अमू मामू और बुआ की शादी ना हो, इसीलिए वो लोग बुआ की बदले किसी और को लेकर आए हैं। दोनों अपनी अपनी रिप्लेसमेंट्स लाए हैं, और बुआ जी को वो लोग रिप्लेस कर देते हैं अमरीश के रिप्लेसमेंट से। उसके बाद मम्मी जी भी जाकर अपनी रिप्लेसमेंट लेकर आती है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि रिटर्न में वापस बुआ जी को लेकर आई है, और फिर शादी हो जाती है। और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, मतलब रजनी को सब पता था। रजनी ने लास्ट में कहा कि मुझे तो सब पता था, और आपकी रिप्लेसमेंट का फ़ोन आया था कि वो नहीं आ सकती। सो दिस होल एरर ऑफ कन्फ्यूजन इज़ अगेन रजनी जानते हुए ये कर रही है, तो सुरीली फिर से थोड़ी सी एंग्री हो गई है। ये सारा फोन खोलती हुई आती नजर आ रही है। यस, ऑलवेज। थैंक यू।